हेलो एवरीवन, वंस अगेन टू टुडेज लेक्चर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह हम डिफरेंट तरह के हमारी जो वेवफॉर्म से जो गिवन डाटा होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालने के लिए। एक वन ऑफ द क्वेश्चंस है जो कि हमारे पास में है, इस वेवफॉर्म के अंदर हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक आपके पास में हाफ ट्राइंगल है और आपके पास में एक स्क्वायर वेवफॉर्म या हमारा रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वेवफॉर्म हमारा बन रहा है जो कि एक अल्टरनेट फॉर्म में। अल्टरनेट फॉर्म में किस तरह से है? अल्टरनेट फॉर्म में कुछ इस तरह से है कि कुछ एक हाफ साइकिल के अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हमारा हाफ ट्राइंगल है और उसके बाद में फिर मेरा एक रेक्टेंगुलर वर्जन बन रहा है जो टोटल हमारा एक ये टाइम पीरियड या फिर टोटल साइकिल के रूप में काम करना चाह रहा है। हम बात करें इसी तरह की वेव फॉर्म के अंदर, हमें ये पता करना है कि हमारे पास में टोटल आउटपुट आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, जहां पर कि गिवन है आपके पास में कि 6 एम्पियर और -6 एम्पियर का आपके पास में करंट पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो कर रही है। ठीक है, एक और चीज गिवन ये है कि ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड टी के रिस्पेक्ट में आपको बताया गया यहाँ पर। सो स्टार्ट विथ, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्यूशन करते हैं किसी भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी हम फॉर्मूले में ध्यान दोगे आप तो कभी किसी भी चीज़ का रूट आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, इट विल बी रूट ऑफ टाइम पीरियड टी। और हम यहाँ पर इसकी जो इंस्टेनियस टर्म है या इंस्टेनियस उसका जो फॉर्मूला है उसको स्क्वायर करने की कोशिश कर, इट मीन्स हमें सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फॉर्म वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म का इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला गिवन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये बताइए, जो रेक्टेंगुलर है इसका हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ कि इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको मैं कैपिटल आई न्यूमेरिकल टर्म आई और इसको न्यूमेरिकल टू की टर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जो फर्स्ट सेकेंड वेव फॉर्म है, सबसे पहले उसकी बात करें हम लोग, क्या उसकी हम लोग कभी कोई इंस्टेनियस जनरल फॉर्मूला इक्वेशन लिख सकते हैं उसके लिए? तो हाँ, एक गिवन है कि सर कभी ये पूरी टाइम पीरियड है, जो मेरी जो हमारा डाटा पीरियड चल रहा है ये टी बाई टू टाइम पीरियड से टी तक जब चल रहा है, तो इसके लगातार इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर इसकी जो वैल्यू है इट विल बी कॉन्स्टेंट है 6 एम्पियर। इट मीन्स इसका जितना मैग्नीट्यूड हम गिवन देंगे उतना मैग्नीट्यूड दे देगा। इट मीन्स हमें बोलेंगे इसकी वैल्यू ए के इक्वल होती है फॉर ए गिवन टाइम। ए बोले तो मैग्नीट्यूड, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा उसके इक्वल देगा। तो हमारी सेकंड वाली वेव फॉर्म का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिख लिया कि जो भी इसका इंस्टेनियस फॉर्मूला है उसके मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है। अब हम बात करें पहले वाली वेव फॉर्म के ऊपर जो कि हमारी एक तरह की रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन के ऊपर है, तो उसका हम कैसे करें। ठीक है, तो ये कैसी दिखाई दे रही है आपको, ध्यान दीजिएगा कि कुछ आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि किसी जीरो से टी बाय टू टाइम तक जा रही है और इसका जो मैग्नीट्यूड है -6 का है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस तरह की वेव फॉर्म का हम दो तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला, या तो उसका हम टोटल एरिया निकाल लें, ठीक है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन वैल्यू के अंदर, मगर हम आरएमएस वैल्यू में ये टैक्टिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम लोग इसका हम लाइन कर्व निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको याद हो क्या, मैं इसको एज्यूम करके चल सकता हूँ कि कुछ इस तरह से गिवन है मेरे पास कि ये चली है किसी जीरो पॉइंट से लेकर और ये कुछ 6 मैग्नीट्यूड तक लगातार चली हुई है, -6 तक चली हुई है। ऐसी लाइन में रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ मैं इसको। तो कहीं मैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो मुझे इस इक्वेशन जो मेरी लाइन जा रही है इसकी मुझे क्या पता करनी पड़ेगी, इक्वेशन पता करनी पड़ेगी लाइन की जो एक पर्टिकुलर टाइम तक जा रही है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से इस तरह के जो मेरे पास लाइन होती है उसका फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी। ठीक है, वाई बेसिकली हमें आउटपुट हमारी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ठीक है, हम निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम लोग। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, एम मेरा जो है बेसिकली क्या गिवन है, स्लोप होता है मेरा, स्लोप ऑफ लाइन होता है, और m की जो वैल्यू होती है वो होती है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा एक बारे में। एक और चीज़ ध्यान देना,
यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कर रही है टाइम से, और y की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कर रही है हमारे मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये दोनों चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। अब इस टोटल जो मेरी लाइन है उसके बारे में कभी मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ तो कभी मैं बात करूँ कि मेरा वोल्टेज कुछ वी टी रिप्रेजेंटेशन कर रही है। ठीक है, तो मैं y की जो वैल्यू उसको लिख सकता हूँ कि ये वी टी है, m कुछ स्लोप है, x की वैल्यू कुछ टाइम के फॉर्मेशन में, और c मेरा क्या है, बेसिकली c रिप्रेजेंटेशन करती है मेरी क्रॉस सेक्शन की, मेरी जो लाइन है, जो मेरी जो लाइन आ रही है वो जीरो एक्सिस पे उसको कहाँ कट करेगी। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन करती है। इसका कुछ अलग अलग होता है, फिर हम उसका बात अलग करेंगे जब एक और क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे। तो इस एट ए टाइम के ऊपर देखो मेरी जो लाइन है ये कहाँ कट कर रही है इसको, लेट अस ज़ूम, कभी मेरी कर्व ऐसा होता, एक कर्वेचर बस समझाता हूँ किसके उपयोगिता सी की कहाँ हमारा इस्तेमाल होता। लेट अस ज़ूम, एक मेरा कर्व ऐसा होता कि ये यहाँ से जा रहा होता और फिर कर्व ऐसा झुक जाता। ठीक है, तो ये जो लाइन है मेरी यहाँ पर, इस लाइन को मुझे पता करना पड़ता है कभी पीछे गया है तो पीछे जाके ये मेरी टाई जो मेरी आउटपुट की फ्रेम है इसको ये कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर मेरी सी की वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन करता है। मगर अभी हमें इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखोगे, क्लियर कट देखोगे, ये जो मेरी वैल्यू है जीरो कहाँ सीधे कट कर रही है, जीरो को ही कट कर रही है, तो सी की वैल्यू टोटली रूप से हम कर सकते हैं जीरो, काम खत्म। अब हमें चाहिए m की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू को पता करना है यहाँ पर मुझे। तो m की वैल्यू को पता करना है तो हमारे पास फॉर्मूला मैंने लिखा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 क्या है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। तो जो मेरे पास में स्लोप है, कभी स्लोप का आपको ढंग से देखोगे ऐसे, तो ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। ठीक है, कभी इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करें, क्या लिखने की कोशिश करें, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले y की वैल्यू आती है तो 0.0 आ जाएगी, x डॉट y तो 0.0 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो t बाय 2 है मेरा, और मेरी जो y की वैल्यू है -6 है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x1 y1 और मेरी है x2 और y2 की वैल्यू। ठीक है, x1 y1 ऊपर और x2 y2 की वैल्यू नीचे। तो अब यहाँ से मुझे मिल गया x1 है 0, x2 है t बाय 2, y1 है 0 और y2 है -6। तो यहाँ से हम स्लोप की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू है -6, y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है मेरे पास t बाय 2 और यह है 0। तो -6 t बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12 बाय टी। ठीक है, और यहाँ से हम स्लोप की वैल्यू लिखेंगे वी टी इज इक्वल टू माइनस का 12 टी इंटू टी प्लस 0। और यही का यही फॉर्मूला हमारा किसके लिए होगा, यहाँ पर वी फर्स्ट स्लोप के लिए होगा, माइनस 12 टी बाय कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल टी हमारा टाइम का रिप्रेजेंट कर रही, कैपिटल टी मेरी टाइम का रिप्रेजेंटेशन कर रही यहाँ पर। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं आगे। तो स्टार्टअप करते हैं इसे हम लोग। तो यहाँ से गिवन है कि हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस दोनों फॉर्मूले को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, कि 1/ से टी तक चाहिए, 0 से लेकर टी, और यहाँ पर दोनों फॉर्मूले जो हमारे पास हैं वी स्क्वायर टी इंटू डी ओमेगा टी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल टाइम पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 0 से लेकर टी बाय 2 के अंदर रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म आई, जिसका मैग्नीट्यूड है -12 से 12 टी बाय कैपिटल टी। ठीक है, डी ओमेगा, हाँ डी टी, स्मॉल टी से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान दीजिएगा इसका जो टाइम पीरियड है वो किस फॉर्म में है, टी के फॉर्मेशन में सिर्फ था। इसको डी टी लिखिएगा तो ये हो जाएगा डी टी, और 0 से लेकर टी बाय 2 से लेकर कैपिटल टी तक मेरा मैग्नीट्यूड था डी और टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ तक मेरा फंडामेंटल क्लियर था। अब ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल टी है कांस्टेंट क्वांटिटी, 12 भी मेरी कांस्टेंट क्वांटिटी है,
और ध्यान दीजिएगा इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा टोटल क्वांटिटी का, ठीक है। 1/t 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 का टी स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेट होगा टी के होल स्क्वायर का, टी के होल स्क्वायर का मेरा इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू 0 से टी बाय 2 dt, यहाँ से ए स्क्वायर का टी बाय 2 से लेकर टी तक ए स्क्वायर dt। कभी इसको हम इंटीग्रेट कराने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 144 बाय टी का होल स्क्वायर, ओके। वन बाय टी स्क्वायर, यहाँ से हम टोटल लिख सकेंगे तो टी क्यूब बाय 3 टी बाय 2 बाय 0 प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कैसा रह जाएगा कोई मतलब नहीं है, डी टी का टी आ जाएगा जिसके ऊपर की हमारा रहेगा टी से लेकर टी बाय 2 से लेकर टी तक वैल्यू जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको हम, तो हम लिखेंगे 1/t मल्टीप्लाई बाय 144t स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके प्रीवियस में हम लोगों ने यहाँ रखेंगे टी क्यूब पर टी बाय 2 रखेंगे सबसे पहले, तो हम लिखेंगे टी बाय 2 का होल क्यूब बाय 3 माइनस टी का होल क्यूब बाय 3 माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है बेसिकली तौर पे ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 6 थी, तो यहाँ डायरेक्टली 6 लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ए की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर 6 लिख लीजिए। 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, ओके। तो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय ओके 0 से टी बाय 2 है ना, ओके ओके ओके, पीछे वाली वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। टी माइनस टी बाय 2 टी माइनस टी बाई 2 और इन सभी का रूट। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बारे में कि 144 टी स्क्वायर, ओके, टी क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू 3 माइनस 36। यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे इस चीज़ के अंदर कि टी माइनस टी 2t-1 तो t बाय 2 हो जाएगा पॉजिटिव का, टी स्क्वायर से हमने एक t काट दिया है तो सिर्फ t बचा है यहाँ पर मेरे पास रिमेनिंग, ठीक है। 1/t 44 से बात करेंगे 1 टाइम तो ये हो जाएगा 3/4 = 12, ओके 3/4 = 12 हो जाएगा मेरे पास, और 24 8 टाइम जाएगा मेरे पास 48, 8 6 = 48, ये 6 टाइम गया है तो हो जाएगा 60 माइनस ये 2 से गया तो ये हो जाएगा हमारा 1 and 8 18 18 2 = 36, ठीक है 18t हो जाएगा मेरे पास में, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस की वैल्यू आ रही है यहाँ पर मेरे पास, इट गिव माइनस वैल्यू हाई, अच्छा प्लस था ना माइनस कर दिया, प्लस है यहाँ पर, वही तो बोल रहा हूँ माइनस की वैल्यू की लिख रखी मैंने यहाँ पर, इट विल गिव 24t और डिवाइडेड बाय टी, टी से टी कैंसल एंड इट इज रूट ऑफ 24, आंसर विल बी रूट ऑफ 24, ठीक है। इट विल बी इन एम्पियर, सो इट अप्रोक्सीमेट आंसर जो हम लोग यहाँ से लिखेंगे इट इज 2/√6 एम्पियर, ठीक है ये मेरा यहाँ से आंसर है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऐसे एक और क्वेश्चन की तरफ जहाँ पर कि हमें एक और रेक्टेंगुलर ट्राइंगल दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा मैं स्लोप वगैरह के बारे में मैंने अब बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए
यहाँ पर टोटल जो टाइम पीरियड है वो टोटल टी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट टू। पार्ट पहले टू की बात करें तो टोटल मैग्नीट्यूड पूरे टाइम पीरियड टी बाय टू से लेकर टी तक इसकी वैल्यू हर समय जीरो रहती है। हम पार्ट वन का अब हम बात करते हैं, स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं और उसकी इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई की हम बात करें कि इसकी वैल्यू होती है वी टी, एज्यूम करके चलें वोल्टेज की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम एम और एक्स एक्सिस की जो टर्म है वो मेरे पास टी है, और सी की बात करें इसका क्रॉस सेक्शन कहाँ हो रहा है, इसका जीरो के ऊपर हो रहा है, तो इसको सी की वैल्यू को जीरो लेके चले हम लोग यहाँ पर। ओके, नाउ वी कैन राइट फाइनल इक्वेशन वी टी इक्वल टू एम टी। यहाँ पर मुझे m की वैल्यू चाहिए, डेट इज y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू अपॉन एक्स वन, जिसकी वैल्यू को हमें यहाँ फिट करना है। तो यहाँ से हम बात करें इसके स्लोप की 0, 0, और इसके स्लोप की बात करें तो ये मेरा हो जाएगा t बाई टू से लेकर डॉट वन, इट मीन्स मेरा हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, सॉरी y2। तो यहाँ से लिखे y2 की वैल्यू पास मेरे पास कितनी है, 1 है, y1 जो है मेरे पास 0 है, ठीक है। एक्स टू मेरे पास में है टी बाई टू और ये है ज़ीरो, तो हो जाएगा टू बाई टी, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू बाई टी, इसको ऊपर लिखे तो हो जाएगा टू बाई टी इंटू स्मॉल टी, ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर। अब इसको डायरेक्टली पुट करना है आर एम एस वैल्यू के फंक्शन के अंदर, क्या फंक्शन हो जाएगा, रूट ऑफ टोटल टाइम पीरियड कितना है कैपिटल टी, इसके दो पार्ट डिवाइड करें ज़ीरो से लेकर t बाई टू तक एक जाएगा, जो कौन जाएगा मेरा यहाँ पर 2t टी बाय स्मॉल टी, जो कि जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t बाय टू तक जा रहा है, ठीक है। इट विल बी 2 कैपिटल t बाय स्मॉल t इंटू डी टी, और जो मेरी फंक्शन है t बाय टू से लेकर t तक उसकी वैल्यू 0 है, तो आंसर निकालने की ज़रूरत है ही नहीं उस पार्ट की, सिर्फ आगे वाले पार्ट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। 1 बाई टी इंटू टू बाई टी, टी का होल जाएगा होल स्क्वायर बाय टू, और टर्म है टी बाई टू, निकालो आंसर इसका, ये हो जाएगा टू टी का होल स्क्वायर कैपिटल का, यहाँ से आ जाएगा ये टी का होल स्क्वायर अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय टू। ध्यान दीजिएगा टी अंदर चल जाएगा टी बाई टू, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय फोर, और 4 इंटू टू 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसल, तो ये हो जाएगा रूट का 1 बाय 4, डेट इज 1 बाय 2, डेट इज 0.5, ठीक है। डेट शुड बी आर आंसर, डेट्स ऑल। इस तरह से हम हमारे कई क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट रूप से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, हम इस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट तरफ ऑफ एग्जाम्स के अंदर हम लोग देखने को मिलता है। जहाँ मैं आप लोगों से बात करूँ कि मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास में एक मूविंग आयरन है, ठीक है, जो कि एज ए अमीटर के फॉर्म में है, ठीक है, अमीटर के फॉर्म में है। उस अमीटर के अंदर मेरा कुछ इनपुट वैल्यू जो करंट की जा रही है, इंस्टीन्यूअस करंट की जो वैल्यू जा रही है, वो इस फॉर्म में है 3 + 4 cos t, ऐसे फॉर्मेशन में मेरी कुछ करंट की वैल्यू जा रही है, ओके, cos 3t, ऐसा कुछ इनपुट जा रहा है। अब इस तरह के इनपुट से मेरा जो मूविंग आयरन अमीटर है वो किस तरह का आउटपुट देगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो ये मेरा मूविंग आयरन जो मीटर्स होते हैं, बेसिकली ये मेरी आरएमएस वैल्यू को आउटपुट देते हैं। इसे कौन सा आउटपुट देते हैं, आरएमएस वैल्यू आउटपुट देते हैं। तो इसके आरएमएस वैल्यू का भी हम करंट के निकालें, तो डायरेक्टली फॉर्मूला जो हमें समझ में आता देख लीजिएगा, समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का फंडामेंटल। हमारे पास ये जो 3 है ये एज ए डीसी का मैग्नीट्यूड है, तो इसको 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। और बाकी का जो मेरा पार्ट है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के पास गिवन डाटा के अंदर है, ठीक है, सॉरी 3 स्क्वायर सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर हम लोग,
और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये एसी का पार्ट है मेरे पास, इस एसी के अंदर 4 की वैल्यू इसकी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो ये 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिखेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा गिवन आंसर होगा 9 प्लस 16 बाय 2 बोले तो 8, 9 प्लस 8 कितना होता है 17, तो रूट 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेट्स ऑल। इस तरह के क्वेश्चन एवरेजली बन सकते हैं। ठीक है, फॉर टुडेज लेक्चर हम लोग यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि हम किस तरह से हमारी ये जो RMS वैल्यू है या AC वैल्यूज हैं, इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन हम डिफरेंट टाइप ऑफ RLC सर्किट में कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा इम्पिडेंस या फिर हम पावर फैक्टर ये क्या चीज़ें होती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर।